प्यारे बच्चों, ईदगाह पाठ हम पढ़ चुके थे। उसमें किस तरह से हमने देखा कि हामिद अपनी दादी के लिए, अमीना के लिए 3 पैसे का चिमटा लेकर आता है। अपने सारा जो भी उसके पास पैसा था वो किस में खर्च कर देता है। अब उसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। उसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसके शब्दार्थ जो आपको अपने अपनी कॉपी में करने हैं। बला, कष्ट या आपत्ति, बदहवास, घबराना, होश हवास, ठीक न होना, निगौड़ी, अभागी, जिसका कोई न हो, चितवन, किसी की ओर देखने का ढंग या दृष्टि, वजू, नमाज से पहले यथाविधि हाथ मुंह धोकर धोना, उसको वजू होना कहते हैं, सिजदा, माथा टेकना, खुदा के आगे सिर झुकाना, हिंडोला, झूला या पालना, मशक, भेड़ या बकरी की खाल को सिलकर बनाया हुआ थैला जिसमें बिश्ती पानी लाता है, अचकन, लंबा कलीदार अंगरखा जिसमें गले से कमर पट्टी तक बटन लगे होते हैं, नेमत, वरदान, जब्त, सहन करना, दामन, पल्लू या आंचल। इसके पश्चात प्रेमचंद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम बताइए। तो है उसके पहले कहानी संग्रह का खै वाला, सही है इसमें, खै सोजे वतन। दूसरा है, दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कितनी कीमत बताई थी, तो उसमें गाय वाला सही है, 6 पैसे। अति लघुतात्मक प्रश्न, हामिद की दादी का नाम क्या था, तो हामिद की दादी का नाम अमीना था। दूसरा, हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा, हामिद ने चिमटा 3 पैसे का खरीदा। रेट उसको 6 पैसे बताई थी, परंतु अंत में उसने 3 पैसे उसके पास थे, उसका चिमटा खरीदा था। प्रश्न नंबर लघुतरात्मक प्रश्न में प्रश्न नंबर 3, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा, तो महमूद ने सिपाही का खिलौना खरीदा। उसके खिलौने में सिपाही की वर्दी और सिर पर लाल पगड़ी थी और कंधे पर बंदूक थी। ऐसा लगता था कि वह कयावद यानी युद्ध से किए चला आ रहा है, यानी युद्ध क्षेत्र से ही आ रहा है, ऐसा उसका महमूद का सिपाही लग रहा था। रमजान कब आता है, प्रश्न नंबर 4, रमजान के महीने में रोजे रखे जाते हैं और रमजान महीने की समाप्ति पर रोजे पूरे होते हैं। अंत में जब सव्वाल महीना होता है, सव्वाल महीने के प्रथम दिन ईद मनाई जाती है। रमजान के जो पूरे महीने में तो रोजे रखे जाते हैं, जब रोजे पूर्ण हो जाते हैं 1 माह के, तो उसके पश्चात सव्वाल महीने का प्रथम दिन होता है, उस दिन ईद मनाई जाती है, ईद आती है। प्रश्न नंबर 5, ईदगाह कहानी किस लेखक की रचना है, तो ईदगाह कहानी सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद की रचना है और ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। प्रश्न नंबर 6, हामिद के चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए। तो हामिद के चरित्र में एक तो विवेक और बुद्धि वाला था वो, दूसरा भावुक और स्नेही भी था, भावुक भी था क्योंकि अपनी दादी के प्रति बहुत भावुक था और स्नेही, उनसे स्नेह रखने वाला था। तीसरा लालच रहित और स्नेहशील था, ये बिना लालच के, मतलब उसके मन में कोई लालच नहीं था और स्नेह सहनशील था कि इतने होने के बाद भी वह अपनी दादी के लिए चिमटा ही लेकर आता है। ये 3 उसके चरित्र की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 7 में है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए अनेक तर्क दिए, जिसमें नंबर 1 है, कंधे पर रख लो तो चिमटा बंदूक हो जाएगा। नंबर 2, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। नंबर 3, इससे मंजीरे का भी काम ले सकते हैं। नंबर 4, आंधी तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नंबर 5, यह आग निकालने और रोटी सेकने के भी काम में आता है। और अंत में ये कहा कि लोहे का होने से मजबूत भी है और वर्षों तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई भी कुछ भी। और प्रश्न नंबर 8 जो है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट हो रहा था। ये प्रश्न नंबर 8 आपको स्वयं करना है। वो जो इसमें पाठ के पूर्व में प्रारंभ में जो आया है वो भी उनका उल्लास था,
और दूसरा ईदगाह जब वह जा रहे थे उसके बाद जो क्या उल्लास था, वो क्या क्या कर रहे थे। तो ये प्रसंग आपको इसमें से छांट कर स्वयं लिखने हैं, पाठ पढ़ने के बाद पता चल जाएगा आपको। और प्रश्न नंबर 9, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र को ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों, ये भी आपको अपना वक्तव्य लिखना है। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता है इसमें हामिद के मित्र भी थे, उसकी दादी भी थी, तो कौन से पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और किस कारण से किया, उसके साथ सह तर्क आपको जवाब देना है। तो ये प्रश्न नंबर 8 और 9 स्वयं विद्यार्थी को करना है और अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।